नमस्कार। द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम मंत्रिमंडल रचनात्मक प्रणाली की विशेषताएं देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट की है। तो ब्रिटेन में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की विशेषताएँ हैं वो बहुत कुछ मिलती जुलती भारत में भी हैं। तो अगर हम उसका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहली विशेषता है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। फिर नंबर टू है टोली की भावना। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है। और यदि इसके विपरीत, यदि सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। और कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्याग पत्र भी देना पड़ता है। इस प्रकार से ये कहा गया है, ये एक उक्ति वहाँ के लिए प्रचलित है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। यानी एक टोली की भावना है जिसके अंदर सभी लोग एक साथ कार्य करते हैं और एक कार्य के लिए सभी लोग जिम्मेदार भी होते हैं। नंबर थर्ड है गोपनीयता। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें। पर उनके लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हो। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पदी हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वे सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री अपनी बात का सम्मान करते हैं और वह बराबर वालों में प्रथम होता है। मतलब उसकी स्थिति है कि सब लोग बराबर हैं, उनमें जो फर्स्ट है वो वाली स्थिति उसकी होती है। फिर है राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उनकी कार्यवाही की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इनमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य रहते हैं, जो सब समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से विचार उसमें करते हैं। फिर हम आते हैं अगली विशेषता में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। चूंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल जो है वो एक प्रकार मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक लोक सदन का उसको विश्वास प्राप्त हो। फिर हम आते हैं मंत्रिमंडल का लोक सदन में विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल को यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचन करा सकता है। और फिर इसके बाद आता है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व जो है वो कैबिनेट प्रणाली की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला तो वैधानिक उत्तरदायित्व है। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ है राजा के प्रति उत्तरदायित्व। राजा इंग्लैंड का सर्व संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने कार्यों
के लिए उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायी तो औपचारिक मात्र रह गया है। सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है। उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अंतः मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व तो राजा के प्रति उत्तरदायित्व तो होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग और स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर कार्य करें। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का एक नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें और अपने विभाग में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करें। संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो ये आपको पता ही है कि चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पर, तो उत्तरदायित्व संसद के प्रति ही बनता है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तभी तक शासन की बागडोर संभाले रहती है जब तक संसद का उसमें विश्वास होता है। तो ये जो उत्तरदायित्व है वह राजनीतिक उत्तरदायित्व कहलाता है। फिर हम इसकी कार्य और शक्तियों पे आते हैं। तो कार्य और शक्तियों में कुछ कोटेशंस हैं, मैं आपको उसको एक बार सुनाना चाहूँगी। रैमजे म्यूर कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। मैरियट कहते हैं कि मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन तंत्र घूमता है। लावेल ये कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। और यहीं पर LS एम्बरी कहते हैं कि मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशन तंत्र है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा शासन चक्र उसके ही आसपास घूमता रहता है। तो हम इसके कार्य और शक्तियों पर आते हैं। सबसे पहला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से कानून बनाना संसद का कार्य है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा छीन लिया गया है। लावेल के शब्दों में इनका कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद ही संसद की मंत्रणा और संपत्ति सम्मति और विधि निर्माण का कार्य करती है। और यह सही भी है क्योंकि आज व्यवहार में विधायी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित और निर्देशित करती है। वह संसद का नेतृत्व करती है, मंत्रिपरिषद को यह निश्चित करती है कि संसद की बैठकें कब बुलाई जाएं, कब उसे स्थगित किया जाए, कब उसे भंग किया जाए, कब राजा का उद्घाटन भाषण होगा, आगामी सत्र कब आयोजित किया जाएगा। ये सभी कार्य आजकल मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य अपना विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही रखे जाते हैं। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृति और पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त होता है। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायी कार्य मंत्रिपरिषद ही द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे लघु व्यवस्थापिका लिटिल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विधायी कार्य का संपादन भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। फिर है कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है। नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। मतलब संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली नीति का अंतिम प्रारूप क्या है और जो भी नियम कानून बन रहे हैं और उन कानूनों को कैसे लागू कराना है, ये सब कार्य कार्यपालिका के जो सभी कार्य हैं वो संसद मंत्रिमंडल द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। फिर आते हैं वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उनका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है, उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा, इस व्यय के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे, यह सब वही तय करता है। कौन से नए कर लगाना, पुराने करों को समाप्त करना, उनके वर्तमान दरों को घटाना या बढ़ाना आदि वित्त मंत्री का ही दायित्व है। इस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा व्यय संचित निधि से और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा। फिर है न्याय संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद कुछ कार्य न्याय संबंधी कार्य भी करता है, जैसे उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा सम्राट प्रमुख
न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श से ही क्षमादान भी दिया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मंत्रिमंडल है वो कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। हमें जो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के रूप देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहला है संयुक्त मंत्रिमंडल, फिर युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। सबसे पहले हम संयुक्त मंत्रिमंडल की बात करेंगे। तो कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता है, अतः कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है, अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं तथा संयुक्त रूप से देश रक्षा में भाग लेते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये संयुक्त मंत्रिमंडल कहलाता है और इसका निर्माण 1931 में आर्थिक संकट के समय 1940 से 45 तक युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैंड में बनाया गया था। फिर है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध या किसी विपत्ति के समय जल्दी से निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण और शासन के निर्देशन में कुछ मंत्रियों की एक समिति बनाई जाती है और इस विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता है। प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता है जिससे वो पूरा समय इस समस्या को दे सके। तो जैसे जिसमें 4-5 मंत्री होते हैं तो ये आपातकाल में नियमों को संचालन बनाते हैं। तो ये 1916 में लॉर्ड जॉर्ज के समय ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है। 1940 में चर्चिल के समय भी 5 मंत्रियों को मिलाकर एक युद्ध मंत्रिमंडल बनाया गया था। फिर है आंतरिक मंत्रिमंडल। चूंकि मंत्रिमंडल में 15 और 20 मंत्री होते हैं इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता। किसी भी विषय को मंत्रिमंडल में रखने से पूर्व 4 या 6 प्रमुख विश्वास पात्र मंत्रियों से सलाह लेता है। तो ये जो इस प्रकार का विश्वास पात्र व्यक्ति मंत्रियों का जो ग्रुप है ये आंतरिक मंत्रिमंडल कहलाता है, इनर कैबिनेट। फिर है छाया मंत्रिमंडल। विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में परिशिक्षित होते हैं और 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता भी मिल गई है, शेडो कैबिनेट कहलाता है। ये चारों जो प्रकार हैं ये हमें ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलते हैं जो कि इम्प्लीमेशन में तैयार हुए हैं। तो ये 4 प्रकार के मंत्रिमंडल हैं। इन पर कई बार शॉर्ट नोट यानी 20 शब्दों का प्रश्न बन जाता है तो इन्हें भी आप ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।